हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद चंबा शाखा की बैठक चंबा के स्थानीय होटल में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता वाई के पुरी ने की। इस बैठक में जन कल्याण तथा चंबा से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कुछ सदस्यों द्वारा चंबा मेडिकल कॉलेज में कुछ विभागों में चिकित्सकों की बहुत अधिक कमी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल है, जिस पर की सरकार और प्रशासन का ध्यान नार्थ हेतु कई बार लाया गया है, लेकिन अभी तक की समस्या बनी हुई है। हाल ही में गायनी विभाग में कोई भी चिकित्सक नहीं होने के कारण बहुत सारे प्रसूताओं की जान जोखिम में पड़ चुकी है। इस मुद्दे पर सभी सदस्यों का एकमत था कि प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज को एक प्रतिनिधिमंडल भेजकर इन मुद्दों की तरफ सरकार का ध्यान लाने की एक बार फिर कोशिश की जाए, तथा हाल ही में जो सीटी स्कैन मशीन, जिनका हाल ही में मशीनों का विधिवत समर्पण सरकार द्वारा किया गया है, उन मशीनों का सुचारू रूप से चलाने के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों एवं टेक्नीशियन की नियुक्ति शीघ्र अति शीघ्र की जाए। वहीं इस दौरान जिला की अन्य समस्याओं बारे भी चर्चा की गई। पूरी अध्यक्ष हिमोत्कर्ष जन कल्याण परिषद चंबा शाखा, तो हम जन कल्याण के कार्यों में और समाज सेवा के कार्यों में कार्यरत हैं। हमारी स्टेट लेवल की ये संस्था है, इसका ये हमारी 7-8 ब्रांचेज हैं, तो ये चंबा ब्रांच का मैं अध्यक्ष हूँ। तो हमने समय समय पर चंबा, इस ऐतिहासिक नगरी चंबा से रिलेटेड कई ऐसे मुद्दों पर चर्चा भी की और मुद्दे उठाए भी हैं संबंधित विभागों के साथ। तो आज हम जो इकट्ठे हुए हैं, यहाँ मीटिंग जो कर रहे हैं, वो इस हमारा जो मेन मुद्दा है आज का, वो है कि इस चंबा के मेडिकल कॉलेज में, जो कि अब 5 साल पुराना होने जा रहा है, इसमें आज तक जो चिकित्सकों की समस्या तथा मशीनरी की समस्या आज तक वैसी ही बरकरार है जैसी कि कुछ साल पहले से थी। तो इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हुई नज़र नहीं आ रही है। और अभी हाल ही में जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी ने एक सीटी स्कैन और दूसरी मशीनों को, कुछ करोड़ रुपए की मशीनें हैं, उनको विधिवत समर्पण किया था लोगों ने, जनता के लिए। लेकिन उनको ऑपरेट करने के लिए अभी हमारे पास यहाँ पे स्टाफ, इनके पास स्पेशलाइज्ड रेडियोलॉजिस्ट या और कोई की सुविधा नहीं है, तो वो मशीनें उसके अभाव में वैसे की वैसी पड़ी हैं। और हम तो ये भी सजेस्ट किया था इनके, और दोबारा फिर करेंगे कि इन मशीनों को अगर हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं सीटी स्कैन और अन्य मशीनों को चलाने के लिए, तो ये आप AMC में या आउटसोर्स करके इनको कुछ वर्षों के लिए आप 1 या 2 साल के लिए हायर कर लें, ताकि वो मशीनें एक बार चालू हो जाएं, और उसके बाद जो आपका जो दूसरा स्टाफ है हमारा सरकारी स्टाफ, वो भी ट्रेंड हो जाए, तो तब तक के लिए ये अरेंजमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। और इसके साथ साथ कुछ जैसे विभाग हैं, जैसे गायनेकोलॉजी का विभाग है, जिसमें अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, सुना होगा कि भाई काफ़ी प्रसूता को काफ़ी मतलब जान जोखिम तक आ गई थी, क्योंकि वहाँ उसके लिए भी हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ नहीं है और हमेशा खाली ही रही हैं। तो इसमें अगर आपका अरेंजमेंट, अगर कोई रेगुलर आपको नहीं मिलती हैं, तो आप आउटसोर्स से करवा लें, आजकल हर चीज़ का इंतज़ाम हो सकता है। तो मैं समझता हूँ अब यहाँ अब कुछ मुद्दा यहाँ के क्या बोलते हैं, ये एक्सरे मशीन वगैरह के भी है, तो एक्सरे मशीन भी हमारी जो डिजिटल एक्सरे मशीन है वो ख़राब पड़ी है, उसके रिज़ल्ट ख़राब आ रहे हैं, लोगों को ठीक से इलाज उसके में नहीं हो पा रहा है। तो इन मशीनों को जल्दी से करवा के स्पेशली एजेंसी से या मैन्युफैक्चरर से ही उनसे कोई समझौता करके, आजकल सब समझौते हो जाते हैं, या किसी और बड़े हॉस्पिटल से समझौता करके ये सुविधा दी जाए, क्योंकि लोगों को कहा जाता है बाहर जाइए, बेचारे दूर से लोग आए होते हैं, तो उनको बाहर बहुत ही ज़्यादा उनको जो उठाना पड़ता है खर्चा वगैरह, और दूर दूर से आते हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि हमारे शहर के और हमारे इस ज़िला के लिए बहुत ही अहम है, और हमेशा ये मुद्दे ही बने रहे हैं। हम तो कहते हैं किसी स्टेज पे इनको, इनका कुछ परमानेंट हल सोचा जाए, और इसके लिए चाहे आप मीटिंग कर लें सारे जितने अच्छे जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे बैठ के मीटिंग कर लें मेडिकल कॉलेज वाले, और कोई ना कोई इसका हल निकाला जाए। और ऐसा नहीं है करोड़ रुपये वैसे खर्च हो रहा है, लेकिन उसका जो यूटिलाइज तभी होगा जब वो जनता तक उसका जो है फ़ायदा पहुंचे, और जनता को
यहाँ से बार बार टांडा या उधर आगे शिमला वगैरह आदि रेफर बार बार ना करना पड़े। अभी तो ऐसा लगता है कि ये रेफरल हॉस्पिटल ही बन गया है कि भाई कोई भी केस होता है कि जी रेफर टू टांडा, रेफर टू शिमला। तो ये चीज़ हमें समाप्त करनी है, और जो हमारा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है इसको ऊपर लाने के लिए जो सीएम साहब भी कहते हैं और सारे हमारे नेता लोग भी कहते हैं कि इसको एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को आगे ला के इस टैग को ख़त्म करना है। तो तभी होगा कि जब हर जो भी अधिकारी है या जो भी कर्मचारी है वो अपने लेवल पे और हर एक लेवल पे इसके ऊपर संपूर्ण ध्यान देखें, कंसंट्रेटेड वे में आगे चलें सारे मिलजुल कर, तभी हो सकता है। और कुछ मुद्दे और पे मैं आऊँगा, जैसे उन वो भी आज चर्चा हो रही है कि जैसे हमारा ये जो ग्री टेक्स्ट है, कोई लॉ बना है, कोई कानून बना है, उसके अंदर कमेटी ने वो हमें सबको एक वो न्यूज़पेपर में को नोटिस दिया है कि भाई इसमें किसी के पब्लिक ऑब्जेक्शन हो जो रेट्स वगैरह बना रहे हैं इसके ग्रह करके, तो वो उसको जो है अभी कोई भी बात क्लियर नहीं है कि कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे इन्होंने उसको करना है, प्लिंथ एरिया करना है, टोटल एरिया करना है या क्या करना है। तो उस बारे में भी अभी जो हमें क्लियर करें और उसमें पब्लिक के साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग कर लें पब्लिक नुमाइंदों के साथ और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, उसको बैठ के सॉल्व करें, ताकि ये जैसे पानी का बारे में भी हुआ था, तो उसमें भी जब आपने एक बार रेट बढ़ा दिए तो रेट वो बढ़ते ही गए थे, उसको कोई कैपिंग वगैरह या कुछ वो नहीं थी और लोगों को बहुत बहुत ज़्यादा बिल देने पड़े थे। तो ये मुद्दे आगे जाके तूल ना पकड़ें, इसलिए इसी लेवल पर कानून बनाने के पहले या कोई चार्जेस लगाने के पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि भाई किस हिसाब से चार्जेस लगने हैं, क्या हमें शिमला के चार्जेस से हमें वो करना है, शिमला में धर्मशाला है, वहाँ फैसिलिटीज़ भी लगे हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लग है, तो वहाँ कमर्शियल वैल्यू भी जो इनकी हाउसेज वगैरह की वो ज़्यादा है, ये उस मुकाबले में यहाँ नहीं है। तो यहाँ लोगों को कोई डिविजन्स हैं, कोई लोगों के एक एक घर में चार चार भाई बिहार रहते हैं, तो उनकी छोटी छोटी वो जो हैं होल्डिंग्स हैं, तो उनको कैसे आपने टैक्सेशन को प्रॉपर कैसे करना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी का अब चार गुना टैक्स लग जाए, किसी को लगे ही ना, तो इसको बिल्कुल थ्रेडवेयर तरीके से बैठ के डिसाइड करें कानून को लागू करने के पहले। और बाकी एक मुद्दा यहाँ चमेसनी का पुराना जो मंदिर है वो सिर्फ ये जो धरोहर है हमारा चमेसनी का जो धरोहर है ये सबसे ज़्यादा सबसे पुराना मंदिर चंबा का यही है, जब से साहिल वर्मा जी भी यहाँ आए थे, जब से चंबा नदी चंबा शहर का और चंबा नगरी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तब से वो मंदिर हो सकता है उससे भी पुराना है, पौराणिक मंदिर है, लेकिन अभी वो उसका जो गर्भगृह और अंदर है वो बड़े जर्जर हालत में है। तो इसको हम हमारी ये वार रहेगी जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट और प्रशासन से कि इसको जल्दी से जल्दी इसको रिस्टोर किया जाए, क्योंकि काष्ठ कला का बहुत ही अच्छा कलाकृति है जो कि अब अंदर से बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, थोड़ी सी रिपेयर्स हुई हैं लेकिन वो इनसफिशेंट है, और ये अगर आप इसका मेंटेन करना बहुत जरूरी आवश्यक है और बड़ा अच्छा पर्यटक केंद्र बन सकता है, इसका बाहर का सौंदर्यीकरण करना भी बड़ा जरूरी है और बिल्कुल शहर के ये हार्ट में है, तो इसके लिए भी हम प्रशासन से रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं।